मेरा बच्चा हैप्पी हैप्पी बन ले। बताओ कितने हुई है? चार, छह। तो गाइस अबे बज रहे हैं रात के 2। गाइस ये रही हमारी छोटी सी अजीब गरीब कहानी और इसके छोटे छोटे से बच्चे। हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सची ब्लॉग्स में। और अभी हम लोग जस्ट फ्री हुए ही थे, दिवाली की पूजा वगैरह करके बहुत सारी मस्ती की, पटाखे फोड़े और बहुत अच्छा अच्छा तो खाना खाया। लेकिन अभी छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है और वो प्रॉब्लम ये है कि आपको तो पता ही है कि हमारी अजीब गरीब प्राणी माँ बनने वाली है और शायद आज उनकी डेट है, इसलिए उन्हें हो रहा है बहुत ज्यादा दर्द। अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और टाइम भी काफी हो गया है। तो चलो फिर आपको उनसे मिलवाती हूँ और उनकी कंडीशन दिखाती हूँ। और अभी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है कि बच्चे आज होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि शायद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन थोड़ा सा लेवर पेन उन्हें हो रहा है आज और वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही है और थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो क्या करे। तो गाइज ये रही हमारी छोटू सी अजीब गरीब प्राणी और वो यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और हम लोग को पहले से ही थोड़ा सा डाउट था, इसलिए हम लोग ने पहले से ही उसका अरेंजमेंट कर दिया। अजीब गरीब प्राणी मेरा बच्चा, तो इन्हें शायद वॉमिटिंग हो रही है इस वजह से ये ऐसा कर रही है और तबला मास्टर को देख रही है कि जैसे उनसे कह रही हूँ कि उन्हें बहुत जोर से दर्द हो रहा है पिट्टू में। तो यहाँ पर हमारे तबला मास्टर उनका पेट दबा रहे हैं ताकि उन्हें दर्द थोड़ा सा कम हो। क्या होगा बेटा, क्या होगा मैं बेटा को, क्या होगा मैं बेटा को, हैप्पी हैप्पी बन ले रोजू पिट्टू डाल डोला भैया का, पिट्टू डाल डोला, पिट्टू डाल डोला भैया का, पिट्टू डाल डोला। कहाँ होगा भैया, कहाँ होगा? तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाँप रही हैं और इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें, कैसे जी अपने नाखूनों से जमीन को खोद रही हैं और बोरों को यहाँ वहाँ घसीट रही हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे जी यहाँ बार बार अपनी जगह बदल रही हैं, पहले वहाँ बैठी थी और ये अब आके सोफे पे बैठ गई। और आप देख सकते हैं कि कैसे जी परेशान हो रही हैं और सोफे के कवर को यहाँ से वहाँ फेंक रही हैं। और अब आ चुकी हैं ये छत पर जहाँ ये बैठ गई भंडरिया में बजरू में, लेकिन शायद इनका बैलेंस यहाँ भी नहीं बन रहा। गाइज कहाँ होगा, ये भी दिक्कत हो रही भैया। काय भैया, हमें लगा था आज ही अपनी पूरी रात जगराता करवान वाली। तो गाइज अबे बज रहे हैं रात की 1:15, मतलब 1 नवंबर है आज और अबे हमारे बैठे बैठे जगराता कर रहे हैं। कैसे हमारी अजीब गरीब प्राणी के बच्चे कबू भी रो सका है और उनके पेट में इतनी तेज दर्द हो रहा है कि उन्हें सहन नहीं हो रहा, अभी बहुत ज्यादा रो रहे हैं। अब इतनी रात के हम लोगों ने समझ में भी नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें, तो बस आराम से उनके पास बैठे हैं और पता नहीं बेबी आराम से बैठी, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें, बस भी बैठी हैं आराम से चुपचाप बैठी हैं। और थोड़ी रो बीच बीच में जब पेट में दर्द होने लगा तो थोड़ी रोन भी लगती है कि, लेकिन अभी बैठी है अभी और हमें लग रहा कि शायद आज ही बच्चा हो जाए हो और कब भी हो सका, तो बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं और रात के 1 बजे हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी छोटे छोटे बच्चे हमारे घर आए। और आज देखो जाए तो आज दिवाली आज भी है, मतलब कल भी दिवाली थी और देखो जाए तो आज भी दिवाली है और हमारे घर अच्छी बहुत अच्छी बात है, अगर दिवाली के दिन हमारे घर छोटे छोटे से मेहमान आ जाए तो बहुत खुशी की बात है, हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। भैया बोल पूछ रहा हूँ बताओ कितने हुई है, कितने छोटे छोटे पिल्ले हैं तुम्हारे पिट्टू में, कितने पिल्ले हैं छोटे छोटे से? और अबे बज रहे 1:30। तो गाइस हमारे घर में छोटे से मेहमान आ चुके हैं और देखो जी कितने सुंदर लग रहे हैं छोटे से मेहमान, व्हाइट कलर के लग रहे हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 2 और 2 छोटे छोटे से बेबी आ चुके हैं और जी रही हमारी अजीब गरीब प्राणी और सच में हम बहुत 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 ज्यादा खुश हैं। आज के दिन का मैं बहुत ज्यादा इंतजार हूँ कि कभी हमारे घर छोटे छोटे से नन्हे मेहमान आए और फाइनली आज दीपावली के दिन इतने अच्छे दिन पे हमारे घर में छोटे छोटे से मेहमान आ गए, तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं और मैं तो आपको बता नहीं सकती हम कितने कितने ज्यादा खुश हैं। और
मतलब अबे और भी आ सकते हैं शायद, दो लोग तो आ गए हैं और एक वाइट है और एक ब्लैक है, बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है। और मेरी रियली में बड़ी खड़ी, लेकिन शायद उसे अभी भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। भैया क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया बच्चा? और ये लोग तो आते साथ ही जुट गए खाना खाने, मतलब ब्लॉग में आगे बने रही हो, हम आपको आगे की भी जानकारी देते रहे कि कब का कैसे हो रहा हो, और आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर करें, तो आप पूरा ब्लॉग जरूर देख के जाइयो। और हम तो मतलब पूरी रात इंतजार करने वाले हैं आज की, कब तक, जब तक छोटी छोटी बेबी आ नहीं जा रहे पूरे, तब तक आज हम इतने ही बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं सचिनन के आवे को। तो हम कहाँ बताया गया, हमसे हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आगे क्या बोल रही है, मतलब इतने ज्यादा खुश हैं। और आपको हमारे फेस पे खुशी ऑलरेडी दिख रही, मतलब हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, सोचो हमें इतना अच्छा लग रहा हूँ कि हम आपको क्या बताएं, मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं। तो गाइस एक गुड न्यूज और है, एक और छोटे से नन्हे मेहमान आ चुके हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हमारी अजीब गरीब प्राणी के छोटे छोटे बेबी हो चुके हैं और अभी बच रहे हैं रात के 2:30, और हमारे घर में 3 छोटे छोटे से नन्हे मेहमान आ चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बैठी हमारी अजीब गरीब प्राणी और ये रहे उसके छोटे छोटे से बच्चों। तो हमारे छोटे बेबी की मुँह दिखाई करने हमारे तबला मास्टर भी आ चुके हैं। तबला मास्टर तुम खुश हो? खुश हो? कैसे लग रहे बच्चे यार, मतलब आते ही साथ पेट पूजा करे में लग गए। और गाइस जैसे कि बच्चे तो पेट पूजा में लगे ही थे और साथ साथ उनकी मम्मी भी जुट गई, लेकिन गाइस ये क्या हुआ, इन्हें तो नींद ही आने लगी। तो गाइस 3:10 हो चुके हैं और अभी तक टोटल 5 बच्चे हो गए हैं, तो आई थिंक अब नहीं होने वाले क्योंकि 5 छोटे छोटे बेबीज हो चुके हैं और मुझे अब बहुत तेज नींद भी आने लगी। तो आप जैसे कि आप मेरी आंखें देख सकते हैं कि बिल्कुल बंद होने वाले, मतलब मुझे नींद भी बहुत जोरों की आ रही है और अब शायद अजीबोगरीब प्राणी भी सो गई है, तो आई थिंक अब बच्चे नहीं होने वाले। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट डे का आपको बताती हूँ कि अगर कुछ और एक दो बच्चे और आएंगे तो आपको उनसे बताऊँगी, उनसे मिलवाऊंगी, लेकिन आई थिंक अब नहीं होने वाले, शायद अब बच्चे नहीं होने वाले हैं। और सच बताऊँ तो इकलौती मैं ही हूँ जो अभी तक जाग रही हूँ, बाकी सब लोग सो चुके हैं काफ़ी दिन के और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अब मैं भी जाके सो जाऊँ, वरना पता चला सुबह आँख ही ना खोले। तो इसके साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी के साथ मिलते हैं अगले दृश्य में, तब तक के लिए राम राम।